तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा, जिसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई अपन ने, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, और किसके साथ करवाई, टोलन रिएजेंट के साथ। अब ऑक्सीडेशन देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का। उसमें एक और अपने पास केमिकल रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन, आइए देखते क्या है। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसको दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? दो तरीके से मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप क्या करना, जो भी आपको तरीका इजी लगे उस तरीके से आप इसको लर्न कर लेना। पर जो मैं फर्स्ट तरीका बताऊंगा इस रिएक्शन का, वो आपको इजी लगेगा काफी। हेलोफॉर्म रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, देखो, एल्डिहाइड या फिर मैं यूं कह दूं कीटोन। होता तो इनका ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस अपने पास क्या मिलेगा, या तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा अगर आपने एज ए हेलोजन क्लोरीन लिया है, और आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा अगर आपने एज ए हेलोजन जो है वो आयोडीन लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, अल्कोहल भी दे सकते हैं। कि सर कैसे, मैंने कहा अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे पीसीसी की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, एल्डिहाइड और कीटोन, और ये फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन देके कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसका फॉर्मेशन करेंगे क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का, यानी कि CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, CHCl3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। रिएक्शन को समझने की कोशिश करना, है ना, कि कैसे रिएक्शन अपन कंप्लीट कर रहे हैं, तो मजा आएगा। अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कोई उसका मीनिंग नहीं, ठीक है? देखिए कैसे होती है रिएक्शन, कि आपने क्या करा, एल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO, इसको अपन कौन सा एल्डिहाइड कहते हैं, इट इज नॉन एज एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड आपने लिया तो सबसे पहले आप क्या करो कि इसकी रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ करो। हैलोजन के साथ अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई, करवाएंगे तो क्या करेगा कि ये हैलोजन एल्काइल ग्रुप के सी डबल बॉन्ड ओ के तो नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3CHO। CH3CHO का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? अब जो ये CH3 C डबल बॉन्ड O H अपने पास है, इसकी रिएक्शन आप करवा दो किससे, NaOH, किससे करवा दो, NaOH। तो NaOH से अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो, NaOH से अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, CHX3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। मीन्स अगर आप क्लोरो सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखते हो तो आपको क्या मिलता है, एक तो हेलोफॉर्म मिलेगा, हेलोफॉर्म के साथ साथ किसका फॉर्मेशन होगा, हेलोफॉर्म के साथ साथ फॉर्मेशन होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मे बी सोडियम सॉल्ट, मे बी पोटेशियम सॉल्ट। मीन्स आप यहाँ पे NaOH की जगह पे KOH भी ले सकते, कि सर हमें तो एसिड बनाना है, आपने कहा एसिड बनेगा, तो एसिड बनाना हो तो क्या करो कि इसकी रिएक्शन जो है वो आप फर्दर HCl के साथ करवा दो। HCl के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, HCOH प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, NaCl। अब X में आप आयोडीन भी ले सकते हो, X में आप हेलो सॉरी क्लोरीन भी ले सकते हो। तो जैसे अगर अपने पास क्लोरीन हो तो रिएक्शन देखो कैसे होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पे आपको मिलेगा CCl3CHO प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, 3HCl। CCl3CHO प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, 3HCl। इस CCl3CHO को अपन कहते हैं क्लोरेल, इज नॉन एज क्लोरेल, क्लोरेल कहते हैं। अब जो ये क्लोरेल है CCl3CHO, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं अपन, NaOH के साथ करवाते हैं। तो
तो अपने को क्या मिलेगा, सी एच सी एल थ्री प्लस अपने पास क्या जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, जो आगे फर्दर एच सी एल के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर। तो क्या सर हर बार फॉर्मिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा? नहीं, फॉर्मिक एसिड का नहीं होगा हर बार। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हो किसके, ऐसे इसमें एल्डिहाइड के, तो आपको वहां पे दूसरा एसिड भी मिल सकता है एज ए प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने कार्बन आपने लिए हैं एल्डिहाइड के, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन लिए, दो, तो आपको एक कार्बन कम वाला एसिड मिलेगा। यहाँ पे दो कार्बन लिए तो एसिड कितने कार्बन वाला मिलेगा, एक कार्बन वाला। अगर आपने यहाँ पे थ्री कार्बन एटम्स लिए एल्डिहाइड में तो एसिड मिलेगा टू कार्बन एटम वाला, यानी कि जितने कार्बन एटम वाला आप एल्डिहाइड लेते हो उससे जस्ट एक कार्बन कम वाला अपने को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? एक आधी रिएक्शन और करवा देते हैं, आयोडोफॉर्म वाली करवा देते हैं। कि अगर आयोडो फॉर्म की देखें तो वैसे काफी इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। सी एच थ्री ये लीजिए, कीटोन ले लेते हैं इस बार, सी ओ सी एच थ्री अपन ने ले लिया कीटोन, ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन है। इसकी रिएक्शन अपन क्या करवाते हैं, पहले आयोडीन के साथ करवाते हैं, थ्री आई टू के साथ आपने रिएक्शन करवाई, थ्री आई टू के साथ रिएक्शन करवाई, थ्री आई टू के साथ रिएक्शन करवाने पर अपने को क्या मिला, सी एक्स थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री का फॉर्मेशन हुआ। सी एक्स थ्री आई टू ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब जो ये सी आई थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ है और आपके पास सी एस थ्री, सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, बेस के साथ करवा दो, NaOH के साथ करो। तो NaOH के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CHI3 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O Na। अब इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, NaCl। ये क्या हो गया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बिकॉज इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, 1-1-1 ट्राई आयोडोमिथेन का फॉर्मेशन होता है, इसको अपन आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो ये हेलोजन है ना, वो एक ही कार्बन एटम, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास थ्री कार्बन एटम है फोर कार्बन एटम से तो सबसे हेलोजन जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हेलोजन किसी एक कार्बन से, जो कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन है उससे ही हेलोजन बॉन्डेड होगा, उससे ही क्या होगा, हेलोजन बॉन्डेड होगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोफॉर्म का या फिर आपके पास आयोडोफॉर्म का, ठीक है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, पहले हेलोजन के साथ रिएक्शन करवानी है, फिर आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, NaOH के साथ, जिससे आपको क्या मिलेगा, या तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन या हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन। अगर रिएक्शन समझ आ गई हो तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सर आप एक और तरीका बता रहे थे, तो एक तरीका और ऐसा है कि आप क्या करो, जैसे ये NaOH है, इसकी रिएक्शन आप हेलोजन से करवा दो, हेलोजन से करवाने पे एक तो आपको NaOX मिल जाएगा, एक आपके पास NaX आ जाएगा, है ना, और एक आपके पास H2 आ जाएगा, ठीक है। NaOX प्लस NaX प्लस आपके पास H2O, फिर आप क्या करो, सीधा NaOX के साथ रिएक्शन करवा दो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बट ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि पहले हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओ, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओ, और आपको जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे क्लोरोफॉर्म है चाहे आपके पास हाइड्रोफॉर्म है, उसका फॉर्मेशन कराओ, इससे ज्यादा क्लियर होता है, इससे आपके पास रिएक्शन
एक स्टेप कम हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। बट ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, वो काफी अच्छा मेथड है, इजीली लर्न होने वाला मेथड है। ओके सही, आइए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की खास बात बताते हैं आपको। नेक्स्ट रिएक्शन में मैं आपको बात कहूंगा कि आप नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है उसको लर्न मत करो, आप रिएक्शन को समझो कि कैसे रिएक्शन हो रही है, तो फिर आप अपने आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सर वही बात होगी फिर कह रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्या नाम है सर इसको, कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर ये क्या नाम हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो एल्डोल को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एल्डोल है, एल्डोल को दो पार्ट में डिवाइड करा देते हैं तो क्या मिलेगा आपको। सर एक तो हमें एल्ड का मतलब समझ आ रहा है कि ये है एल्डिहाइड, प्लस OH है तो इसका मतलब है अल्कोहल। मतलब कि जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ अल्कोहल ग्रुप भी होगा, तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आई क्यों कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी होगा और एल्डिहाइड के साथ साथ क्या होगा आपके पास OH ग्रुप मींस अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। समझ आया किसको एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा आपके पास कीटोन भी होगा। ओके अब देखो क्या रहता है रिएक्शन में, होता क्या है। सबसे पहली बात कि कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन ये रिएक्शन देंगे, कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे, कीटोन तो देंगे, पर वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, या कीटोन भी वो देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। कि सर कैसे, मैंने यूं लिखा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये सर होते क्या है। तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई कार्बन बॉन्डेड है, मेन फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई कार्बन बॉन्डेड है देन दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। मेन फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई कार्बन बॉन्डेड है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। ओके जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वही कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस कार्बन की बात करें, ये आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है यानी कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा कार्बन अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा कि आपके पास ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अब अगर एक और आपके पास कंपाउंड लेके आऊं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, तो देखो ये है बेंजल्डिहाइड, ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो अपने को चेक करना होगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो देखो एक बात बताओ कि अपन इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिखते हैं, सी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड सी, सॉरी यहाँ नहीं था ये, यहाँ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपके पास आ गया बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड है इट इज नोन एज अल्फा कार्बन, इसको अपन कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन।
तो अल्फा कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन होगा तो उसे आप क्या कहोगे, अल्फा हाइड्रोजन कहोगे, बट यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। कौन देंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कैसे, कि जैसे ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आपके पास ये अल्फा कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो कौन से हो गए, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड आ गया ये वाला C डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा बिकॉज ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे, एक पे सी एच ओ ग्रुप आ गया, एक आपके पास हाइड्रोजन ये रह गया, तो ये भी क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे कि वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड हो उसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर ये बातें क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते अपन आगे नेक्स्ट। चलो क्लियर है, अब क्लियर है तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ये होती है दो टाइप की। कौन सी, एक तो होती है सिंपल और एक होती है आपके पास क्रॉस, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड क्रॉस। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि दो टाइप के एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड इन विच एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्कोहल ग्रुप आर प्रेजेंट। दो एल्डिहाइड जो है, दो मोल एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो सर सिंपल का और क्रॉस का मतलब क्या हुआ, सिंपल का मीनिंग ये है कि वो जो आप एल्डिहाइड ले रहे हो वो दोनों सेम एल्डिहाइड होंगे, सेम एल्डिहाइड होंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस में क्या रहेंगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ ईच अदर। के सर कैसे, कि जैसे ये ले लीजिए कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया आपके पास एसिटाल्डिहाइड, वो कौन सा एल्डिहाइड हो गया, प्रोपियन एल्डिहाइड। तो दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड के बीच में अगर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा हो देन द रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर दो सेम टाइप एल्डिहाइड हो, कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया कि आप रिएक्शन करवा रहे हो CH3CHO प्लस CH3CHO के बीच में रिएक्शन जो हो रही है वो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, देन इट इज नोन एज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक सिंपल होता है और एक आपके पास क्या होता है, क्रॉस। क्लियर है, अब देखते हैं सिंपल वाली कैसे कंप्लीट होती है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है और क्रॉस कैसे होती है। तो सारा इसका बेसिक पॉइंट था कि एल्डोल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप हो तो उसको अपन एल्डोल कहते हैं, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होती है, वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रेजेंट होती है, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है, दूसरी कौन सी होती है, क्रॉस होती है। सिंपल में, सिंपल का मीनिंग क्या है, सिंपल का मीनिंग है कि अगर दो सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, वो एल्डिहाइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो वो कौन सी रिएक्शन देंगे, सिंपल, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो तो वो कौन सी रिएक्शन देंगे, क्रॉस। क्लियर है, अब अपन चलते हैं सिंपल पे, कि सिंपल पे क्या होता है।
सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, मैं कहता हूं कि मेरे को प्रोडक्ट नहीं पता कि क्या बनेगा, मेरे को तो मैकेनिज्म पता है जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट का रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे, यहाँ पे अपने को समझना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे को पता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बट आपको जैसे नहीं पता हो तो क्या करना है कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज हो सकता है ना कि कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दे, कोई भी कीटोन दे दे, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि क्या प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, हो सकता है कि प्रोपियोन के ले लें, हो सकता है ब्यूटाइल के ले लें, हो सकता है वेलर के ले लें। तो अपने को ये देखना होगा कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे किसका, एल्डिहाइड का, CH3COH। इसको नीचे क्यों लिखा, बिकॉज ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है इसके। ओके, रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, NaOH। अब देखो क्या होगा, क्या यहां पे कि OH माइनस आयन, क्योंकि जो NaOH है एक बेस है आपको पता है, और बेस क्या होते हैं, वो सारे सब्सटेंस जो Na प्लस और OH माइनस आयन, यानी कि जो OH माइनस आयन देते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बेस। क्लियर होगा क्या, देखो कि आपके पास जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस OH माइनस के साथ चला जाएगा और यहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि H प्लस जो है वो किसके पास चला जाएगा, OH माइनस के पास, और किस बाहर कौन निकलेगा, H2। तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन एटम पर। तो इस कार्बन एटम पे बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन आए तो क्या मिला आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O H, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इट इज एन इंटरमीडिएट, ये क्या है आपके पास, एक इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल कैसे होगा, ये जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल कैसे होगा, तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रेजोनेंस की। तो इस इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होता है कि सर कैसे, मैंने कहा देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबल। तो अगर अपने को पता है कभी भी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो, देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड, तो ये कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो अपने पास रेजोनेंस से स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर कौन सी आ गई, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव और यहाँ पे H, ये रेजोनेंस से इंटरमीडिएट क्या होता है आपके पास, स्टेबल। और ये स्टेप फर्स्ट है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने पर किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का। अब बात करते हैं कि सर नेक्स्ट क्या होगा, आपने दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये एक मॉलिक्यूल का वर्क कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अपने पास सेकेंड मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस H को मैं यहां लिख रहा हूं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कि कार्बन है ऑक्सीजन है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर ऑक्सीजन है बिकॉज इसका साइज छोटा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपके पास आपने फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बनाया, तो CH2 पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और क्या था, C डबल बॉन्ड O H, ये अपने पास फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट था। इस पे कौन सा चार्ज, सर पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज, सर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ये आएगा इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन, कार्बन के पास, और पास आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, CH3
सी एच ओ पे माइनस चार्ज, सी एच टू और आपके पास क्या आ गया सी एच। क्लियर है, सी एच को साथ में लिख दिया मैंने। ओके अब क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन एच टू ओ के साथ करवाते, तो ओ एच माइनस साइन क्या होगा बाहर निकलेगा। सर OH माइनस को बाहर क्यों निकाला है, आपको पता है Na OH जो है वो एज ए कैटलिस्ट इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये OH माइनस वापस Na प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा NaOH बना देगा, और जो ये H प्लस है वो H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3CH OH CH2CH2। अब एक बात बताओ, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है लास्ट में उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कि सर एल्डिहाइड है, सर OH है, एल्ड प्लस ऑल एल्डोल कंडेंसेशन, क्या हुआ आपके पास ये एल्डोल कंडेंसेशन, और इसकी अगर IUPAC नेम देखें तो वो क्या है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ओके क्लियर है, मैकेनिज्म सही है एकदम आपके सेट है दिमाग में। अब देखते हैं आगे, क्या सर आगे भी है, मैंने कहा थोड़ा सा और बाकी, कैसे देखो ये यहाँ पे H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, यहां से H2O क्या हो जाएगा आपके पास रिमूव, तो H2O अगर रिमूव हो रहा है तो H2O रिमूव होने पर क्या मिलेगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, it is known as alpha beta unsaturated compound, alpha beta unsaturated compound क्यों कहते हैं इसको, कि देखो ये आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा कार्बन अल्फा, ये कौन सा कार्बन बीटा, अल्फा और बीटा पे कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको कौन सा कंपाउंड कहते हैं अनसेचुरेटेड, तो किसका फॉर्मेशन होगा ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, या फिर किसका फॉर्मेशन होगा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। तो इसमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट है, तो उसको अपन कहते हैं एल्डोल, और साथ में लास्ट कंपाउंड क्या मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ये इसकी मैकेनिज्म है। तो अब वहां आप प्रोडक्ट लिख सकते हो पहले एल्डोल वाला और फिर माइनस एस टू करके फाइनल वाला, ठीक है ना। मैकेनिज्म कैसे होती है कि पहले वन मोल ऑफ एल्डिहाइड जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट का, और फिर सेकंड मोल ऑफ एल्डिहाइड पे इंटरमीडिएट क्या करता है अफेक्ट करता है। क्लियर है बात, स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन के साथ, और इसके अलावा अगर आपको सिंपल में भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही पहले सिंपल के डाउट क्लियर करेंगे, फिर मिक्स्ड वाले एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।